पोस्ट की थी, उसमें हमने पूछा था हमें क्या चैलेंज करना चाहिए, तो आपने बोला कि हमें हू नोज़ अन्नू बेटर करना चाहिए। थैंक यू गाइस मुझे इतना प्यार करने के लिए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हू नोज़ अन्नू बेटर, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी 400K की फैमिली बन चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप जल्दी से जल्दी 1 मिलियन फैमिली बना लेंगे। चलो बहुत हो गई बातें, अब मुझे भी तो जाना है। कौन मुझे ज्यादा अच्छी जानता है, तो चालू करें चैलेंज। मैं बहन हूँ, मैं माँ हूँ। चलो अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मैं अपने फ्री टाइम में क्या करती हूँ। तो टीवी देखना आंसर नहीं है। हाँ ये तो बहुत आसान। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा, हाँ वही हर समय वही। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा नहीं, टीवी के अलावा। मेरा तो हो गया। मैं बाद में बताऊंगी कि आपका आंसर सही है कि नहीं। टीवी के अलावा तो तू वो करती है, बट वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ सकता है क्या? आई डोंट नो, मैंने बस बोला कि टीवी नहीं आ सकता, बाकी सब टीवी बोलते हैं। टीवी के अलावा बहुत करती है, मुझे तो पता है। मैं श्योर नहीं हूँ। कंफ्यूज करती है तू मुझे। चलो चलो मैं मुंह से बोल देती हूँ और दिखा भी देना साथ। 3, 2, 1 गो। गेमिंग क्यों खेलती है? तो सही आंसर है मम्मा का। तूने मेरे को कंफ्यूज किया। मैंने कंफ्यूज किया, मैंने बस इतना कि टीवी के अलावा। तो टीवी के अलावा तो फोन में हमेशा गेम तो खेलती रहती है। नहीं अनु ज्यादातर क्यूब सॉल्व करती है। अनु अभी तक 5-6 क्यूब सॉल्व कर लेती है, बहुत अच्छे से क्यूब इसको आता है। लगता है ये मम्मी को अपने जाल में फंसाई है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट मेरा फेवरेट है और क्या मुझे करना है। इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। जरा सजाइए मत आर्टिस्ट। जल्दी बताओ, देखते हैं कौन जीतेगा। जल्दी जल्दी हो गया। रेडी 3, 2, 1 गो। वाओ स्काई डाइविंग। तो मैंने भी तो वही लिखा। सही जवाब, दोनों ने सही जवाब दिया। अभी हम लोग किसी दिन एक मूवी देख रहे थे, उसमें वो स्काई डाइविंग कर रहे, तो अनुष्का ने कहा मुझे करना है, तो उसका मजा आ गया था कि स्काई डाइविंग ही है इसका। तो गाइस मम्मा का 1 और आई का 0 था। आप उनने सेम लिखा, दोनों का सही है, तो दोनों को एक-एक पॉइंट मिला। 2-1 चलो एटलीस्ट 1 तो मिल गया। चलो नेक्स्ट राउंड में देखते हैं। आयु आगे पहुंच के मम्मा के साथ बराबरी लाती है, तो मम्मा आयु से ही आगे चली जाती है। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि मेरा फेवरेट जंक फूड कौन सा है। अरे तो बहुत इजी है, इसको तो इतने सारी चीजें पसंद है, अब क्या इसमें बोलूं मैं। मुझे तो मालूम है, पक्का मालूम है। तुम्हें नहीं मालूम? जंक फूड में तो बहुत आता है, वो आता है, ये आता है, वो भी आता है, तो क्या पसंद वो ये। चलो चलो ट्राई करते हैं। चलो मैं एकदम बड़ा सा पूरा दिखाऊंगी जिससे आपको अच्छे से दिखे। मैं दरार कोई देख नहीं सकता। वो भी हिंदी में। क्या लिखूं मैं? आयु कुछ लिखी नहीं, लिखी कुछ तो लिखी। मैं तो जीतने वाली हूँ, देख लो मैं रेडी हो चुकी। क्या कुछ भी ड्राइंग, मतलब गाइस आपको आयु की ड्राइंग देखनी चाहिए, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है ना। 3, 2, 1 गो। पानी पूरी। अरे हाँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ। सच्ची में पानी पूरी, मुझे पानी पूरी मतलब फर्स्ट क्लास, क्या यम्मी रहता है। हाँ अनु को पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद। हाँ मैं कैसे भूल गई। वो भी सिर्फ एक ही दुकान का, बाकी खाती नहीं वो लोखंड वाला। मैं एक ही दुकान का पानी पूरी बहुत ज्यादा उसको पसंद है। इसके सामने पिज्जा और पानी पूरी कुछ भी रख दो, ये पानी पूरी चूज करेगी। मुझे लगा चॉकलेट घी, इसको मीठा बहुत पसंद है। चॉकलेट आता है थोड़ी देर बाद, लेकिन पानी पूरी सबसे टॉप। चलो देखो मेरा तो 2 हो गया ना, 2 पॉइंट हो गया। मम्मा का 3, आयु का 1। मम्मा ने लीड ले लिया है। मम्मी थोड़ा अपनी प्यारी बेटी। क्या बोला था कि मैं अनु को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हू नोज़ मॉम बेटर में भी हार गई, अब ये वाला मैं नहीं हार सकती। तो मतलब ये जानती, हम लोग को ये पता चलेगा कि किसी के बारे में जानती नहीं है। अब जब हू नोज़ आयु बेटर करें तब इसको डर नहीं हारने। आयु को भी मैं अच्छी तरह, सब मम्मी अपने बच्चों को अच्छी तरह से ही जानती है, उसी तरह मैं भी जानती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा फेवरेट एनिमल कौन सा है। ये तो बहुत ऑब्वियस है, बड़ा सा लिखूंगी मैं इसे। मुझे भी मालूम है। मम्मी ये गलत करना होगा आपको अपनी प्यारी बेटी के खातिर। ये क्या बात है, मैं जीतने वाली हूँ। चलो ये देखो, डॉग। इसको डॉग बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं सही करती हूँ तो मम्मी भी सही करती है, मतलब ये नहीं कि माँ थोड़ा सा पीछे चले जाओ। तो इसका मतलब मैं गलत लिखूं क्या? हाँ। मुझे मालूम है तो मैं सही लिखती हूँ। दोनों ने सही जवाब दिया, मतलब अभी का पॉइंट क्या है? 4-2। मेरी बहन ने अपना बहन की शक्ति दिखा, ट्विन टेलीपैथी का। हाँ, माइंड पढ़ूंगी मैं अगले वाले क्वेश्चन। मम्मा तो ट्विन टेलीपैथी के बिना जीत रही हैं। तो इस क्वेश्चन में तो मेरी बहुत तारीफ होने वाली है। तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि मैंने अब तक कितने स्क्रिप्ट्स लिखे हैं अपने चैनल के लिए। अरे हाँ, ये तो बहुत आसान है, बट मैंने भी इसको काउंट तो नहीं किया। मैंने भी नहीं किया, बट आस पास राउंड ऑफ कर देंगे। हाँ। मैं जो सबसे ज्यादा पास रहेगा नंबर, मैं उसको काउंट करूंगी। चलो गेस करते हैं हम लोग। ऐसे मतलब ऐसे 2 to 3 वैसा लिख सकता है? नहीं, नंबर्स में एक स्पेसिफिक नंबर लिखो ना, एक स्पेसिफिक नंबर। हाँ, नहीं तो आप लोग अगर समझो आप मम्मा के कुछ नंबर 20 to 50 लिख जाए, नहीं 30 to 100, कुछ तो समझदार लिखिए। 1 to 100, 1 to 10, नहीं 1 to 50, तो उसके बीच में जो भी नंबर आ गया आ गया। ये मैर नहीं है, इसके लिए एक स्पेसिफिक नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर। चलो मेरा तो रेडी, 3, 2, 1 गो। क्या लिखा आपने? 22। मतलब आयु जीत गई। हाँ। मतलब मैंने इससे भी ज्यादा लिखा है, 30 कुछ। हाँ, आयु ने बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखी है, और मेन इसका हॉरर जो भी आपको पसंद आता है सब अनु ने लिखा है। एक्चुअली मैं तो मतलब हॉरर स्टोरीज मैं लिखती तो हूँ, लेकिन आयुष भी बहुत आइडियाज देती है। मतलब उसका क्रिएटिव माइंड है, वो है कि क्या आइडियाज है, लेकिन लिखने का काम आता है तो बोलते हैं अनु जा तू लिख ले। हाँ, मुझे हॉरर लिखने में तो बहुत मजा आता है, करने में भी। हॉरर शूट करने में एकदम खुश रहती है, बाकी शूट करने में थोड़ा सा वो करती है, बट हॉरर एकदम मन से शूट करती है। और आप लोगों को भी बहुत पसंद है। तो गाइस अभी विजेता तो आयु है, फिर भी आयु तो मम्मा के पास नहीं आ पाई। 3-4 पास ही हूँ, 4-3। चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं जीतने वाली हूँ। अच्छा मम्मा, अब मम्मा बोली अब नहीं हारना है मुझे, अब आगे तो मैं ही जीतू। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मेरा इंस्पिरेशन कौन है? हाँ? मैं नाइस क्वेश्चन, इतना अच्छा जो मारा है। ये मुझसे छोटे, मैं इससे इंस्पिरेशन क्यों लूंगी? Oh, no. छोटे वाले से नहीं होता है, पर्सनैलिटी से होता है। मैं तो इसमें कंफ्यूज हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या है। 2 लोग लिख सकते हो? नहीं, एक ही लिखना है। लास्ट टाइम आशा घोषाल मिल, आशा भोसले, आशा भोसले। हाँ, आशा भोसले का मिल गया सब। नहीं, इस बार नहीं मिलेगा, वो तो तुझे चीटिंग करके पाया था। चीटिंग? मम्मी चीटिंग नहीं की ना? चीटिंग नहीं की। ओके, मैं लिखती हूँ। मुझे पता नहीं है, जो मुझे आया मैंने लिख दिया। मैंने भी दोनों में को एक लिखे, लेकिन आप दोनों गलत हो। आप मेरे इंस्पिरेशन भी अब मेरे टीचर हो, जिनने मुझे सिखाया है। सबसे बड़ी टीचर माँ। वीडियो जरूर देखना। मेरा इंस्पिरेशन सेलिब्रिटी वो है एलॉन मस्क। अरे हाँ, मैं तो कंफ्यूज थी, डॉक्टर भी हो सकता है, सोल्जर भी हो सकता है। इसमें कौन जीता है वो मैं, क्योंकि मम्मा और आयु दोनों 0-0। एक बोनस पॉइंट मुझे मिल जाता है, 4-1। नहीं, मम्मा 4, आयु 3। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? हाँ, ये तो मुझे मालूम है। मुझे नहीं, बहुत चीज तो डरती है। मैं किसी से नहीं डरती। हाँ? नहीं डरती, फिर क्यों पूछी मुझे? मतलब डरती तो हुई, सब लोग किसी ना किसी डरते ही हैं। उससे डर लगता है, उससे डर लगता है, उससे डर लगता है। ये क्या, मुझे उससे नहीं लगता डर, मुझे एक डर लगता है। याद आ गया। देख लिया क्या? नहीं, चीटिंग नहीं की ना। मुझे एक बार कहा था, मुझे और मम्मी को दोनों को कहा था। चलो क्या है, 3, 2, 1 एंड शो। भीड़ भाड़ से बहुत डरती है, बहुत ज्यादा क्राउड, छोटी जगह और बहुत ज्यादा लोग। मम्मा और आई दोनों सही है। मतलब मुझे सबसे ज्यादा डर वो लगता है, टनल आता है ना, वो छोटा सा टनल स्लाइड वाला, और उसमें मुझे लगता है कोई नीचे बैठा होगा और ऊपर से भी मेरा कोई आएगा, मैं बीच में, तो मुझे सांस कैसे लेना, बहुत डर लगता है। तो आप दोनों सही हो। तो मम्मा है 5, आयु है 4। हाँ, 4, 5 एंड 4। तो अगला क्वेश्चन। तो मेरा ये सवाल है कि मैं बड़ी होके क्या बनना चाहती हूँ? तो सोचना पड़ेगा। मैंने तो बहुत सारी चीजें बोली हैं। मुझे याद है बचपन में जब मैं कार्टून देखती थी मैं बोलती थी कि मैं डोरेमोन के गैजेट्स बनाऊंगी। अभी मैं यही सोची, बहुत हंसती हूँ। तो मैं कुछ 5-6 साल की, बहुत सारी चीजें हैं बट पता नहीं क्या रोज चेंज होता रहता है। नहीं रोज नहीं, अभी मेरा एक प्रोफेशनल माइंडसेट बन गया। मुझे एक परफेक्ट प्रोफेशन चाहिए। ऐसा अब मैंने लिख दिया, तू मुझे कह रही है। नहीं मैंने पहले ही बोला था मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैंने ये नहीं बोला था मुझे क्या करना है, बनना क्या चाहती हूँ। मैं एक ही लूंगी, अगर 2 से ज्यादा आएगा ना तो गाइड्स वो डिस्क्वालीफाई। ऐसा कुछ नहीं होता, एक चूज करके बोल, एक चूज कर। चूज तो क्या है? मैंने 3 लिखा है। 3 क्या एक ही है? 3 लिखा है, 3 लिखा है। मैंने तो एक ही लिखा है, देखते हैं। 3, 2, 1 बिजनेस वूमेन। फिर से दोनों सेम। मैं लोग टेलीपैथी कर रहे हैं गाइस। मुझे तो बिजनेस वूमेन भी बनना और एक प्रोड्यूसर भी बनना है। प्रोड्यूसर बिजनेस वूमेन में आते इतना भी नहीं पता ही दोनों। नहीं ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन है तो बिजनेस ही ना, वो बिजनेस ही होता है ना गाइस। हाँ प्रोडक्शन में जाओ, बिजनेस में काफी सारे एरियाज होते हैं। अब मैंने बोला बिजनेस वूमन में मैं प्रोडक्शन हाउस खोलूंगी जिसमें मैं मूवीज बनाऊंगी। और आप सोचना मत, डरो मत, मैं चैनल नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। तो चलो अभी कौन जीता है इसमें? भी तो हम दोनों 0-0 नहीं 1-1 मम्मी। बिजनेस वूमन वो भी है ना, तो मम्मा 6-5। तो मम्मा अभी तक जीत ही रही है 1 पॉइंट। वो स्टार्ट की पॉइंट की वजह से आई हार। चलो कौन जीतता है? अगला क्वेश्चन ये है कि मेरा फेवरेट कलर क्या है। ये बहुत आसान है, ये आप सभी बहुत जानना चाहते हैं। बहुत सारा कमेंट आता है कि फेवरेट कलर क्या है। ये तो मेरा मम्मी दोनों जानते हैं। बड़ा फेवरेट कलर नहीं, मैं उसकी फेवरेट कलर ये हम दोनों ही जानते हैं। चलो 3, 2, 1 गो। ब्लू सही जवाब है। देखो मैंने गाइस ब्लू कलर से भी लिखा। 7-5 ब्लू से ही लिखा, पर्पल है। 7-5 नहीं 7-6 सॉरी। मैं अपनी बेचारी बहन का नंबर नहीं आया। अनु का सबसे फेवरेट कलर ब्लू है, हर चीज ब्लू ज्यादा पसंद करती है। ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो आसमान पानी सबका कलर वही होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास कोई एक इच्छा होती, मतलब इच्छादारी नागे वाली इच्छा नहीं, इच्छा होती, विश होती, तो मैं क्या विश करती? ये तो बड़ा हार्ड है, ये तो मुझे नहीं पता। ये बहुत आसान है, अनुष्का हमेशा बोलती है। माँ आगे कवर कर, हाँ देखना नहीं चाहिए। मैं देख रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है, मैं हार मान लेती हूँ। नहीं कुछ हार नहीं मानने का, ट्राई करने का, नेवर गिव अप। मम्मा तुम्हारा विश क्या होगा? 3, 2, 1 गो। अनु चाहती हमेशा बच्ची ही रहे, इन्फिनिट विशेष। तो इस मतलब इस राउंड का विनर है आयु। मैं तो सोची तू यही चाहती है कि तू बच्ची, आप चाहते हो। लेकिन मम्मा अगर आप देखा जाए, अगर मैं बहुत सारी विशेष मांगू कि मेरे पास 1000 मतलब इन्फिनिट विशेष आ जाए कि कभी खत्म ही ना विशेष, तो मैं भी ये सारे विशेष मांग लूंगी ना जो मुझे स्मार्ट है। हाँ ये आइडिया स्मार्ट है। तो गाइस अगर आपको भी विश मांगनी तो यही विश मांगना, ये मेरा आइडिया। तो अभी हम दोनों बराबर हो गए, ये 7-7। तो ये आखिरी सवाल है अभी, जैसे मतलब ये टाई राउंड हो गया, गलती से टाई हो गया उनका। तो ये आखिरी सवाल है, कौन जीतेगा वो उनकी किस्मत उसी पे। मैं जीतूंगी, मैं। तो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो क्या होती। ओ ये भी तो बड़ा मुश्किल है, चलो ट्राई करते हैं। चलो 3, 2, 1 गो। इनविजिबिलिटी जाएगी कि उड़ जाएगी? तो आप दोनों ही गलत हो। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे मतलब मैं कुछ भी सोचूं कि काश मुझे चॉकलेट हो जाए तो मेरे हाथ में चॉकलेट आ जाएगा, काश में पैसा हो जाए मेरे हाथ में पैसा आ जाएगा, काश मुझे कोई गैजेट मिला तो गैजेट आ जाएगा। तो मतलब इसमें तो मेरा ही बेनिफिट हो गया ना, जो सोचूं वो आ जाए। हाँ तो इसमें भी तो अभी टाई हो गया ना, दोनों हार गए। तो एक लास्ट क्वेश्चन करना है क्या? एक और बोनस राउंड। तो ये है लास्ट राउंड, इसमें हारे सो हारे, जीते सो जीते। चलो लेकिन अभी ये है टाई ब्रेकर राउंड। गाइस आपको पता है जितने भी हमने इसे किया ना, हु नोज मी बेटर, सब में टाई ब्रेकर ही होता है। मम्मी वाले में भी हुआ हुआ था टाई ब्रेकर राउंड कि हम सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं ना। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है? आसान, ये भी आसान है शायद। 3, 2, 1 गो। ओरियो। चोको चिप। Oh, no. तो सही जवाब है मम्मा। इसको ओरियो आइसक्रीम बहुत पसंद है। आयो तुम भी तो खाती हो साथ में ओरियो। कंफ्यूज भी, मेरे को चोको चिप्स भी पसंद है बहुत। ओरियो ज्यादा यम्मी होता है। तो इंसान की विजेता है मम्मा। मतलब मम्मा मुझे ज्यादा जानते हैं और मेरी बहना मुझे कम, क्योंकि मम्मा मुझे 5 मिनट आयु से ज्यादा जानती है। हाँ गाइस, अगर आप चाहते कि हम हूँ दोस्त पापा बेटर या आयु बेटर करें तो प्लीज इस वीडियो को भी 30K लाइक्स दे देना। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे सारे वीडियोस को शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।